गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। अजीजों, कितने आनंद की बात है प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को आप तक पहुंचाना, जो जीवनों को बदलता है, जो परिवारों को बदलता है, जो आपकी मेरी सोच को बदलने के लिए सामर्थ्य है। आज के मनन का भाग हमने लिया है फिलिपियों की किताब अध्याय 4 उसकी 12 आयत, और इस प्रकार लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अजीजों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि पौलुस कहता है, मैंने सब दशाओं में तृप्त होना सीखा है। इसका मतलब यह है, हर परिस्थिति में मैं तृप्त रहता हूं और अपने परमेश्वर के प्रति मैं धन्यवादित रहता हूं। हाँ, मैं एक बात सुबह के समय आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात के लिए रो रहे हैं, आप किस बात के लिए चिंतित हैं? अधिकांश समय अजीजों, हम उस बात के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे हाथ में दिया है हमें उसके लिए धन्यवादित होना है। न जाने मैं कितनों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीते जी कभी अपने माता पिता की कद्र नहीं करी, लेकिन आज जब वे नहीं है, वे रोते हैं, वे बिलखते हैं, वे अपनी छाती को पीटते और कहते हैं कि काश उनके जीते जी हम उनकी कद्र कर सके। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आपके पास कार नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने आपको साइकिल दी होगी, परमेश्वर ने आपको मोटरसाइकिल दी होगी, क्या आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत बड़ा घर नहीं होगा, आप किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु जी, मैं शांति के साथ इस रूम में सो सकता हूं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो हमारे पास नहीं है उस बात के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर से बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन अजीजों, प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने हर दशा में परमेश्वर में तृप्त रहना सीख लिया। काफी दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी, मुझे मालूम नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बड़ी सीख तो है, और कहानी इस प्रकार से है, एक लड़का जो अपने माता पिता से बहुत दिन तक बोल रहा था, पिताजी मुझे नए जूते आप लेकर दीजिए, नए शूज लेकर दीजिए। पिता ने कहा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा मैं तुझे नए जूते लेकर दे दूंगा। और तब वो लड़का जोर जोर से माता पिता पर गुस्सा होने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, कहने लगा, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने मुझे छोड़ दिया, आपने मुझे यूं ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे लेकिन आप मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। और दूसरों के माता पिता का उदाहरण देकर वो अपने माता पिता को कोस रहा था। और गुस्से में एक दिन सुबह के समय उठता है और अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जब वो स्कूल जाते समय रास्ते में वो देखता है रोड के किनारे उसकी ही उम्र का एक बच्चा बैठा हुआ है जिसके दोनों पैर नहीं है, और ये कुछ देर के लिए वहां रुक जाता है और उस लड़के जिसके दोनों पैर नहीं है उसके तरफ देखकर ये अपने मन में विचार करता है, इसके पास दोनों पैर नहीं है लेकिन परमेश्वर ने मुझे दोनों पैर दिए, मैं इसलिए कुड़कुड़ा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन बजाय इसके कि मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दे सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे पैर दिए और जिसने मुझे पैर दिए हैं वो मुझे जूता देने में के लिए भी सामर्थ्य है। आज इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन आपको छूने पाए, जो प्रभु ने दिया है उसके लिए धन्यवादित हो जाइए, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके लिए धन्यवादित हो जाइए, जो आपके हाथ में है उसके लिए धन्यवादित हो जाइए। प्रभु ने कहा, जब भीड़ को देखकर तुम कुछ खाने को दो, तब एक बच्चा आता और वो कहता, मेरे पास 5 रोटियां 2 मछली, और प्रभु ने थोड़ा लिया, प्रभु उसको देखकर कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन प्रभु ने उस रोटी और मछली को स्वर्ग की ओर उठाया और वो मछली और रोटियां काफी हो गई 5,000 की भीड़ को खिलाने के लिए। और आज मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने तुझे जो दिया है, परमेश्वर का वचन तुझसे बात करने पाए कि अगर तू उसके लिए धन्यवादित है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस छोटी बात को बढ़ाकर तुझे बहुतायत से आशीष देने के लिए। आइए प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे प्रति धन्यवादित रहना सीखें। प्रभु जी, मैं अपने लिए दुआ करता हूं, कई बार मेरा मन तड़प उठता है, कई बार मैं जब दूसरों को देखता हूं तो अपने आप को कंपेयर करता हूं। पिता प्रभु जी, मैं अपने भाई अपनी बहन अपने माता पिता के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु हम कंपेयर और खुदावन कुड़कुड़ाने वाले नहीं, लेकिन हमें अनुग्रह दे कि जो तूने हमें आशीष के रूप में दिया है उसमें हम धन्यवादित
हो सके। और प्रभु जी हम पौलुस के समान कह सकें कि मैंने हर परिस्थिति में तृप्त होना और प्रभु को धन्यवाद देना सीख लिया। खुदावन तू हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।